हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज एक छोटी सी रेसिपी शेयर करी जो कि चौलाई की सब्जी की, कि मेरी जो सासू माँ है वो किस तरीके से चौलाई की सब्जी बनाती है। बहुत सिंपल तरीका है, ज़्यादा देरी ना करते हो करते वीडियो को शुरू। चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, चलते हैं हम वीडियो की ओ। तो यहाँ पे हमने लिए 1 किलो चौलाई, जिसको हमने साफ कर लिया था, काट लिया था, धो लिया है। यहाँ पे लिए हमने 7-8 लहसुन की कलियाँ और 2-3 हरी मिर्च। और अब लेंगे कढ़ाई में सरसों का तेल, क्योंकि इसको हमें बनाना है सरसों के तेल में। सरसों का तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च। और इनको तब तक भुनना है जब तक ये पूरे लाल लाल से नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं लहसुन का और हरी मिर्च का जो है कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमारी चौलाई है, जिसको हमने अच्छे से काट लिया था और अच्छे से धो लिया था। अगर आप इसको धोते कम से कम 4-5 बारी पानी में धोने, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। धीरे धीरे चौलाई डालते आएंगे, उसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे पूरी कढ़ाई भरी हुई है। जैसे जैसे इसका पानी सूखता जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि कितनी कम हो जाएगी सब्जी, क्योंकि जो साग की सब्जी होती है बनने के बाद थोड़ी सी रहती है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, इसमें सिर्फ डलेगा नमक, और हमने इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी, लाल मिर्च इसके अंदर हम नहीं डालेंगे। और सिर्फ हरी मिर्च और नमक लहसुन में इसको बनाना है। और अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च है तो आप हरी मिर्च के साथ वो भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी जो क्वांटिटी कितनी कम होती आ रही है। सो आप देख सकते हैं गाइस, जब तक इसका सारा पानी सूख जाएगा तो हमारी चौलाई बनके बिल्कुल तैयार है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय फ्रेंड, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।